Hello, I think uh, I'm audible, uh, so it's 6 pm. Uh, I'm Gauravij, uh, Assistant Professor in Commerce in uh, DAV College Abohar. And uh, I'm, I'm thankful to uh, Friday Fables, who is a platform provided here to read a story. This is for the first time I'm, I'm reading any story, <coughs> and I'm thankful to uh, Ma'am Preeti Sharda. Uh, uh, who encouraged me uh, to present a story. I'm I'm doing theater from last 25 years, so it's my first experience to present a story here <clears throat> on any platform. So uh, I chose a story किसी एक पेड़ का नाम लो written by सबदेश दीपक जी जो एक बहुत renowned हिंदी uh, के writer है ऑल uh, he was वॉज प्रोफेसर इन इंग्लिश इन अम्बाला इंग्लिश में के professor और बहुत कमाल के teacher होने के बावजूद वो वो ज़्यादा उन्होंने हिंदी में लिखा और हिंदी में जो उन्होंने लिखा वो uh, इतना मकबूल हुआ इतना कामयाब हुआ एज अ प्ले राइटर उनके बहुत सारे नाटक uh, इंडिया की आई थिंक फॉरन में भी बहुत सारी स्टेज़ पे खेले गए मैंने खुद उनके दो नाटक कोर्ट मार्शल और uh, बाल भगवान किए हैं खेले हैं और बहुत ह्यूज रिस्पांस उनसे मिला है बहुत सारी स्टोरीज़ उन्होंने लिखी उनमें से एक है ये किसी एक पेड़ का नाम तो मेरे लिए ये प्रिविलेज है कि मैं उनकी स्टोरी रीड कर रहा हूँ किसी एक पेड़ का नाम लो स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा बस इतना बताऊँगा कि ये एक स्टोरी है जिसमें सस्पेंस है थ्रिल है आ, आ, हल्की फुल्की बहुत ही कम थोड़ी बहुत कॉमेडी है अगर उसको लिया जाए रोमांस है इमोशंस हैं तो इमोशन से ये भरी भरी हुई थोड़ी लंबी स्टोरी है तो हम इसको शुरू करते हैं आ, स्टोरी अपने आप में बहुत कुछ कहती है मुझे लगता है मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है सबदेश दीपक की कहानी है तो हम जैसे कहानी पढ़ेंगे हमारे सामने सब कुछ क्लियर होता जाएगा किसी एक पेड़ का नाम लो सुबह चार बजे होंगे लेकिन एयरपोर्ट एकदम उजला रोशनियों में नहाया हुआ उसने बाहर देखा दिसंबर के गहरे घने अंधेरे में लिपटा शहर लगता है जैसे सिर्फ एयरपोर्ट में सूरज निकल आया है ये सूरज भी पक्षपात करता है वो मुस्कुराया ये सुबह सवेरे सूरज के पीछे पड़ने का क्या मतलब सूरज भी तो कहीं दुबका बैठा है सुस्ताएगा लाल मुंह, अंधेरे में कंबल से बाहर होगा तब निकलेगा उसने एक ही जगह खड़े खड़े पैर हिलाए ताकि ठंड से जम गई टांगों में रक्त संचार तेज़ हो 200 किलोमीटर कार चलाकर अभी अभी यहाँ पहुँचा टांगे तीन घंटे अधमुड़ी रहीं कस्टम ऑफिसर ने उसके लिए भी चाय मंगवाई गिलास में मैं अभी बाहर से पी लो मेजर साहब अभी प्लेन आने में बीस मिनट हैं उसे अच्छा लगा कि अनजान अपरिचित लोग पहली मुलाकात में ही उसके दोस्त बन जाते हैं पता नहीं उसकी आवाज़ की गरमाइश अथवा उसके माथे पर लिखा है आओ मेरे दोस्त बन जाओ वो हमेशा धीमे बोलता है आम ऑफिसर्स की तरह उसे घुड़क कर या चीख कर बोलने की आदत नहीं सभी जवानों के लिए वो पहले दोस्त है फिर ऑफिसर जब बांग्लादेश में के युद्ध में उसे महावीर चक्र मिला तो उसके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा था लेफ्टिनेंट अजय सिंह जनरल बनकर रिटायर होगा अवर फ्यूचर चीफ ऑफ आर्मी फिर अजय को सैल्यूट भी किया था पता नहीं मजाक में रम के नशे में या रेजिमेंट के लिए पहला महावीर चक्र प्राप्त करने की खुशी में उसने सिर झटका उसके सीओ साथी ऑफिसर रेजिमेंट के जवान बाहर निकले समृति अंधेरे में वापस लौट गई उसे सिर हिलाता देख कस्टम ऑफिसर को गलती लगी कि शायद उसने कुछ कहा हौसला दिया आप फिक्र ना करें मेजर साहब इंटरनेशनल फ्लाइट के पैसेंजर यहीं से बाहर निकलेंगे मैं पासपोर्ट देकर आपको बता दूंगा कि माया बख्शी कौन है वो मुस्कुराया कस्टम ऑफिसर को गलती लगी है कि वो माया बख्शी को पहचान नहीं पाएगा उसने माया को आज तक नहीं देखा लेकिन जानता है कि पहचान लेगा माया की मां ने पहचान बताई थी माया को पहचानने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी प्लेन में जो सबसे खूबसूरत और लंबी सबसे लड़की हिंदुस्तानी उतरेगी वो माया होगी ब्रिगेडियर बख्शी ने पत्नी को छेड़ा था बहुत फूंक नहीं लेते स्वीट हार्ट कहीं ये किसी और खूबसूरत लड़की को घर ना ले आए डोंट बी सिली मेरी माया जितनी खूबसूरत और लंबी लड़की आज तक देखी है क्या लेकिन अमेरिका जाकर भी बेवकूफ की बेवकूफ इस उम्र में भी जब कुछ करेगी तो अचानक दो साल से अमेरिका में पढ़ रही है लेकिन अकल नहीं आई जो हिंदुस्तान में बेवकूफ है अमेरिका जाकर भी बेवकूफी रहेगा पति की प्यार लेकिन छेड़ने वाली चुटकी अच्छा बहुत मत बोलो बुखार चढ़ जाएगा अजय को लगा कि माया बख्शी ज़रूर मूर्ख होगी रात को बारह बजे फ़ोन बजा बख्शी साहब को बुखार मिसेस बख्शी ने फ़ोन उठाया मम्मी मैं माया उधर से ऊंची आवाज़ अरे माया कैसी हो मिड टर्म छुट्टियाँ कब होंगी वो तो अप्रैल में होंगी अच्छा पहली छुट्टी होते ही प्लेन पकड़ लेना तेरी बहुत याद आ रही है अच्छा अच्छा पापा को फ़ोन दो उठाती हूँ उन्हें बुखार है तू कब आएगी पापा को मत उठाओ वैसे कहो तो आज ही आ जाओ देख माँ से ऐसा वाहियात मजाक नहीं करते माँ तू हमेशा स्टूपिड रहेगी मजाक कौन कर रहा है मैं बॉम्बे एयरपोर्ट से फ़ोन कर रही हूँ प्लेन में कोई छोटी मोटी ख़राबी आ गई है दो तीन घंटे में दिल्ली के लिए टेक ऑफ कर लेगा तूने खाना खाया क्या नहीं पहले खबर क्यों नहीं की चुप स्टुपिड ओल्ड वुमेन मूली के पराठे तैयार रख पूरे पाँच आठ बजे तक घर पहुंच जाऊंगी दिल्ली से कैसे आएगी तेरे पापा को बुखार है कार तो वो चला नहीं स... क्यों हिंदुस्तान में बसें चलनी बंद हो गई हैं ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी टू द कंट्री माया ने फोन रख दिया बख्शी साहब ने जिद की दिल्ली जाएंगे बेटी को लेने बुखार की ऐसी तैसी पत्नी ने डांटा तुम्हें क्या अब रोज रोज याद कराना पड़ेगा कि आप बूढ़े हो गए हो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर इस सर्दी में तुम अंबाला से दिल्ली कार चलाकर जाओगे तुम बाप बेटी जन्म से ही मूरख हो तब अजय ने कहा कि दिल्ली वो चला जाएगा लेकिन माया बख्शी को पहचानेगा कैसे मिसेस बख्शी ने आसान सी पहचान बताई कि जहाज में जो सबसे खूबसूरत और सबसे लंबी लड़की उतरेगी वो उनकी बेटी होगी बख्शी साहब ने सैनिक भाषा में माया का नक्शा खींचा कद पांच फुट सात पाँच फुट सात इंच रंग एकदम घोरा चिट्टा नाक टेढ़ी वो बहुत तेज चलती है तभी अजय ऑफिसर की गलती पर मुस्कुराया था कि वह माया को पहचान नहीं पाएगा फ्लाइट नंबर सात 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 के नीचे उतरने की सूचना दी जा रही है रोशनी वाली लंबी सीटी ने अंधेरे का सीना चौक किया विमान पर लैंडिंग लाइट्स में खुल गए पहिए उसे साफ दिखे किसी ऐतिहासिक पक्षी सा विमान एयरपोर्ट के सिरे पर रनवे को छूता है उछला लंबी दौड़ हाफ गई सांस रुकता है किसी ने अजय की बाँ छूई उसने नीचे देखा एक तीन साल की बच्ची ने उसे खबर दी मेरे पापा आ रहे हैं हम चार घंटे से उनकी वेट कर रहे हैं प्लेन थोड़ा लेट हो गया बेटे पापा ने फ़ोन नहीं किया हमारे घर फ़ोन ही नहीं है बच्ची का उदास भरा उदासी भरा जवाब बच्ची की माँ ने डांटा अंकल को तंग नहीं करते बकबक -बक की आदत छोड़ दें नहीं तो पापा डांटेंगे मैं पापा को ही कैसे देखा ही नहीं अजय को हैरान देकर महिला ने बताया कि उनके अमेरिका जाने के बाद पैदा हुई थी वह हाथरान पर पीएचडी करने गए थे सिन एंड रिडम्पशन अजय ने सोचा कि महिला को बताए कि सिन के बाद कोई रिडम्पशन नहीं चाहे हारथन माने या ना माने लेकिन वो चुप रहा यानी कस्टम काउंटर की यात्री आ, कस्टम काउंटर की तरफ बढ़े एक कतार में उसे इतनी दूर से चेहरा तो नहीं दिखा लेकिन कोई लाइन तोड़कर आगे निकलता है मर्दों की तेज चाल वाली लड़की सबसे पहले उसे कंधे में लटका हुआ एयरबैग देखा फिर तेज चलते शरीर का चेहरा दृष्टिबद्ध हुआ कंधे की ऊंचाई पर चलता कटे हुए सूरज का टुकड़ा टेढ़ी नाक हुक्ड नोज़, वो कस्टम काउंटर पर सबसे पहले पहुंची उसके पासपोर्ट दिखाने से पहले ही अजय ने पूछा आप माया बख्शी हैं हाँ लेकिन आपको कैसे पता आपकी मां ने बताया था कि जहाज़ में जो सबसे खूबसूरत और सबसे लंबी हिंदुस्तानी लड़की उतरे वो बख्शी होगी सिली हर माँ को अपनी बेटी खूबसूरत ही लगती है डोंट माइंड मैडम आपकी माँ ने पहचान तो ठीक बताई कस्टम ऑफिसर ने छेड़ा आप लोग पैसेंजर से फ्लर्ट कब से करने लगे मैंने तो सुना है कि यहाँ के कस्टम वाले बहुत सड़ियल होते हैं वो कंधे से बैग उतारने लगी कस्टम ऑफिसर ने रोका रहने दें आप जैसी क्यूट लड़की चोरी का सामान नहीं ला सकती थैंक्स हैंडसम कस्टम ऑफिसर का मुंह लाल हुआ शर्माया मेजर साहब आप आप अपना लंबा और खूबसूरत पैसेंजर ले जाइए कंग्रेट्स दोनों लाउंज में आए माया ने पहला सवाल पूछा आप भी आर्मी में हैं क्या वो जवाब नहीं देता उसका सख्त हो गया चेहरा देखकर माया को थोड़ी सी हैरानी हुई कि इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है जब उसे अपने पापा का ख्याल आया और है तो हैरानी दूर हो गई पापा एकदम गुस्सैल हैं दोस्त भी अपने जैसे ही बनाएंगे कमान पर चढ़े तीर अजय ने उसके कंधे से एयर बैग उतारा अपनी बा बाजू पर लटका लिया बैग का स्ट्रैप लंबा लेकिन फिर भी ज़मीन को नहीं छूरा क्योंकि अजय का कद बहुत लंबा है पहले चाय पी लें अंबाला तक पहुंचने में घंटे लग जाएंगे हाँ हो जाए माया काउंटर पर पहुंची वेटर से चाय के लिए कहा सुनो मेरी चाय गिलास में देना दो साल हो गए, गिलास में चाय ही नहीं पी वो गरम गिलास दोनों हथेलियों में धीरे धीरे घुमा रही है सोचती है इस आदमी से जो उसे लेने आया है क्या बात करे एक साधारण सा सवाल पूछने पर कि क्या आप सेना में हैं इसका मुंह सूझ गया इतनी गर्म चाय ये आदमी जिसका नाम अजय है इतनी जल्दी जल्दी क्यों पी रहा है माया की आत्मा में एक छोटे से भय ने जन्म लिया ये आदमी यहाँ उसके पास होकर भी कहीं और है यहाँ से अनुपस्थित उसके चमड़े के कोट के ऊपर वाले कॉलर खुले हैं सफेद टी शर्ट के पास गले पर बना घाव माया को साफ दिखा उसके हाथ लगातार क्यों बंद खुल रहे हैं वो सिहरी सर्दी से या भय से इतनी मृत आंखें उसने आज तक किसी भी चेहरे पर नहीं देखी इच्छाहीन आंखें जीवन आकांक्षा रहित आंखें इसके चेहरे पर तो ये आंखें नहीं होनी चाहिए जवान चेहरे पर लगी बूढ़ी आंखें पतझड़ के नंगे पेड़ उसने दिल ही दिल में अपने आप को गाली दी उगाया भय आत्मा के अवचेतन अंधेरे हिस्से में लौट गया आपको पंजाबी बोलनी आती है हाँ क्यों अजय इस मूर्ख सवाल पर हैरान तो फिर बोलो दो साल से अपनी जबान ही नहीं सुनी अजय की आत्मा ने आज्ञा दी कि इस लंबी लड़की माया बख्शी की हुक्ट नोस पकड़ लो लेकिन हाथों ने यह आज्ञा नहीं मानी क्योंकि शरीर का कोई भी अंग मरी हुई आत्मा की आज्ञा नहीं माना करता चलिए सोने देर हो रही है माया हसी अजय हंसा माया की आत्मा में भय फिर उगा जब ये आदमी हंसता है तो इसके चेहरे पर बूढ़ी आंखें उतरती हैं जवान आंखें वहां लौटती हैं आयु और शरीर के अनुपात में उसने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला खोला उसकी उंगलियां कांपी माया ने साफ़ देखा ये आदमी इतना स्वस्थ जिसम पेड़ जैसा बीमार हो नहीं सकता तो फिर पैकेट खोलने पर उंगलियां कांपने का कारण डॉक्टर दिमाग ने सहज कारण बताया इतनी सर्दी में इतनी लंबी ड्राइव की हाथ ठंडे हो गए हैं उंगलियां कांपेंगी ही माँ ठीक कहती थी तू माया बख्शी अमेरिका जाने के बाद भी बेवकूफ रही उसने अजय की तरफ हाथ बढ़ाया एक सिगरेट पिलाओ दो साल से हिंदुस्तानी सिगरेट नहीं पी चार मीनार है बहुत स्ट्रांग है दूसरी फिल्टर वाली सिगरेट खरीद लेते हैं इस आदमी की आवाज़ फिर सख्त क्या आम हिंदुस्तानी मर्दों की तरह इसे भी औरतों का सिगरेट पीना बुरा लगता है ऐसे 19वीं सदी के मर्दों को 20वीं सदी में लाने का एक ही तरीका है सीधा आक्रमण जड़ से हिलाना जरूरी है मैं भी बहुत लड़की हूं। बनारस मेडिकल कॉलेज में चर्स भर सिगरेट पीती थी। तो ये लड़की माया बख्शी जहाज से उतरने वाले यात्रियों में सबसे खूबसूरत और सबसे लंबी लड़की अपने पिता ब्रिगेडियर बख्शी की तरह बहुत गुस्सैल है अजय ने उसे सिगरेट दी आप गुस्से में मत बोला करें आपकी टेढ़ी नाक और टेढ़ी हो जाती है वो हंसी उसकी नाक कम टेढ़ी हुई वेटर हैरान इन्हें देखता हुआ इतनी सर्दी में भला कोई कैसे हंस सकता है दांत ठंडे नहीं हो जाएंगे दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले निधड़क चलती दिसंबर की दन दनाती हवा सबसे पहले माया की नाक पर चुटकी काटी उसने हाथ के पिछले हिस्से से नाक मली लेकिन हवा ढीठ भी और क्रूर भी उसकी बाहों पर अपने तीखे नुकीले दांत गड़ा दिए अजय ने सफ, सफेद मारुति कार का पिछला दरवाजा खोला सिर आ, और कहा सिर झुकाकर अंदर जाना छत नीचे है और आप लंबी वो बैठी अजय ने उस पर लाल कंबल लपेटा यह क्या वाला प्रश्न आंखों में देखा और बोला आपकी मम्मी ने बताया था कि आपको भूख और सर्दी दोनों बहुत लगती हैं माया ने कंबल में अंग समेटे बिल्कुल बिल्ली की तरह मारुति पापा ने कब ली आपके भाई स्क्वाडन लीडर बख्शी की है वो लेने क्यों नहीं आया मिराज की ट्रेनिंग लेने फ्रांस गया है परसों ही वहां से अपने फाइटर प्लेन पर ग्वालियर लौटा है सवेरे हफ्ते की छुट्टी आएगा और वो छोटा मुच्छल कैप्टन का बच्चा वो क्यों नहीं आया आसाम पोस्टेड है शाम तक वो भी घर आ जाएगा आप थक गई होंगी थोड़ी देर सो लें उसने कार के दरवाजे अंदर से लॉक किए चमड़े का कोट उतारकर साथ वाली सीट पर रखा आधी बाहों की सफेद टी शर्ट में उसकी बाहें तलवार की तरह की सर्दी है कोट क्यों उतार दिया माया ने अपनी नाक वाली मुझे सर्दी नहीं लगती उसकी आवाज फिर ठंडी सख्त माया को गुस्सा आया कि इतनी सी बात पर इतना ठंडा क्यों हो गया आत्मा के अंधेरे कोने में फिर से भय होगा उसके चेहरे पर फिर से बूढ़ी आंखें लग गई उसने इस आदमी को दिल ही दिल में गाली दी आंखें बंद की सो गई भय भी सो गया माया की आंखें खोली भूख ने जगा दिया कार के शीशे पर जमा हुआ कोहरा धुंध लेकिन चमकीला तो सूरज और अजय की बाहों पर खड़े हो गए छोटे छोटे बाल सुइयों जैसे माया ने उसका कंधा छुआ भूख लगी है गाड़ी रोको कुछ खाने अजय का हाँ में सिर हिला थोड़ी देर और दूरी के बाद सड़क की बाई और ढाबा देखा पंजाब। अजय ने कार सड़क से नीचे उतार दी। ट्यूबवेल के मोटे पाइप से बाहर उछलता पानी हल्की सफेद भाप वाला सवेरे की यात्रा शुरू करने से पहले कुछ ट्रक ड्राइवर नहाते हुए कुछ जहाज जितने पलंगों पर बैठे अपने नहाने की बारी की प्रतीक्षा में माया कंबल लपेटे कार से बाहर आई अजय अपनी अधनंगी बाहों को हाथों से रगड़ता मलता हुआ रगड़ से गर्मी पैदा करने की कोशिश में उसने कंबल उतारा कार की छत पर रखा जहाजी पलंग पर बैठे तीन आदमी उठे अब बैठो बाश ढाबे का मालिक जगता गरम गरम परौंठे उतारता हुआ तवे जितने बड़े परोंठे इस जीन्स पहनी लड़की को देखा सोचा परौंठे क्या खाएगी बिस्किट की नस्ल है सिख है लेकिन हिंदी में पूछा ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਲੇਗੇ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਰਸ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਛੇੜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਣ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਸ ਬੈਠੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੱਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੂਛੋ ਕ ਉਤਾਰ ਦਿਆ ਜਗਤਿਆ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਏ ਟੱਕਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾ ਸੇਰ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ थड़े से नीचे उतरा माया के सिर को छुआ अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा ड्राइवर को घुड़का ओए खोते आजकल कल सवा सवासेर हो गई ने अजय ट्यूबवेल की तरफ मुड़ा ढाबे वाले को सलाह देते हुए सरदार जी ये सीधी अमेरिका से आ रही है बहुत भूखी लड़की है इसे मूली के परौंठे खिलाओ जगत सिंह ने अजय की शहतीर जैसे शरीर को आंखों में भरा बाकी ड्राइवरों से कहा दी सौ और बरसों बाद ऐसा कड़ियल जवान देखा है ठंड पै गई कालजेज पंजाब के लोगों में आज भी मर्दों के जिस्म उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है जो उनकी गर्दन को अकड़ा के रखती है एक विशेष कौन में वाहू और फौजी है एक सवाल जवाब जगते का ਓਏ ਖੋਤੇ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਿਆ ਐਨਕੀ ਮਾਸਟਰ ਹੋਗੇ ਕਿਆ ਕਦ ਕਾਟ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਸੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਹਾ ਕੇ ਹੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਹੈ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੌਜ ਸੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੂੰ ਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੰਖਾਰ ਥੇ ਪਿੰਡੀ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਪਠਾਨੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ जानती हो पठानों ने बख्शी ब्राह्मणों का क्या नाम रखा था राक्षस ब्राह्मण ये लोग या तो फौज या पुलिस में भर्ती होते थे, थे या फिर जमेदारी करते थे माया ने सोचा पंजाबी ठीक से नहीं बोलता सीखी हुई पंजाबी घुट्टी में मिली भाषा जैसी नहीं जो शब्द में एक खास खनक खास ताकत पैदा कर देती है धाबे वाले ने थाली में तवे जितने बड़े गरम भाप छोड़ते मूली के चार परांठे रखे सात वाली निगाहों से नहीं मैं नहीं खाऊंगा मुझे पिछले एक साल से नाश्ते की आदत नहीं एक पर खा लो भूख लगी होगी इतनी छोटी सी सलाह पर इस मर्द का चेहरा जिसका नाम अजय है पत्थर जैसा क्यों हो गया जितनी ठंडी सुबह है इतनी ही ठंडी आवाज में अजय ने जवाब दिया एक बार सुना नहीं मैं पिछले एक साल से नाश्ता नहीं लेता ये बात पास के जहाजी पलंगों पर बैठे ड्राइवरों ने भी सुनी इस लड़की के चेहरे पर जलता हुआ सूरज देखा और उन्होंने सिर झुका लिए वो जगते बड़ा गुस्सैल जवान है वो इतनी सी बात पर लड़की को खाने को पड़ गया अरे पुत्रा लड़की का मुंह नहीं देखा शेरनी हो गई है भुखी शेरनी और मुझे तो एक पल के लिए लगा कि उसके मुंह से परोंठे की थाली दे मारेगी एक शेर तो दूसरा सवा शेर ऐसी कुड़ियों को ऐसे कड़ियल जवानी संभाल सकते हैं समझे ट्यूब के पानी से मुंह धो रहे अजय को मरुति के पास खड़े ड्राइवर ने आवाज लगाई ओ वीरा गड्डी दा अगला टायर पंचर है लंबी कील खींचकर बाहर निकाली उसे दिखाई अजय ने टायर को घूर के देखा जोर की ठोकर मारी अजय ने टायर बदलने के लिए कार का स्पैनर निकाला जिसे इधर के लोग प्लग पाना कहते हैं आप बैठो मैं बदल देता हूं ड्राइवर ने अजय के हाथ से स्पैनर लिया वो आधा झुका पहिए के नट पाने में पकड़े जोर लगाया एक भी नट नहीं घूमा अपने क्लीनर को हाँक दी और कृपया ट्रक से बड़ा प्लग पाना निकाल और नट जाम हो गया है रहने दो मैं खुद खोल लूंगा अजय कार के पास आया और वीरा नट जाम हो गए ने छोटे प्लग पाने से नहीं खुलेंगे हटो परे सुना नहीं मैं खोल लूंगा ड्राइवर ने उसे चुनौती देती आंखों से देखा प्लग पाना आगे बढ़ाया ले पकड़ खोल के दिखा की मुद्रा में अजय ने उसके हाथ से स्पैनर नहीं लिया नीचे झुका नट्स को छूकर देखा और सीधा खड़ा हो गया सचमुच जैम है बाकी ड्राइवर कार के पास आ खड़े हुए माया ने भी वहां फैल गई चुनौती भरे तनाव का ग्रहण किया दर्जनों आंखों की चुनौतियां अजय के शरीर में चुभ रही हैं देखें कितनी ताकत है छोटे प्लग पाने से जाम हो गए नट खोलेगा ड्राइवर का स्पैनर वाला हाथ अब भी आगे बढ़ा हुआ यह आदमी पाना पकड़ क्यों नहीं रहा लेकिन अजय पकड़े कैसे उसकी आंखें बंद वो लंबी सांस खींचकर पेट में हवा भर रहा है माया ने उसकी दाई बांह को देखा धीरे धीरे मोटी हुई उसे साफ दिखा अजय की सारी शरीर शारीरिक शक्ति का संचार दाई बाह की तरफ शुरू सरकती हुई ताकत मोटी होती हुई बाह और लगातार फूलता हाथ मोटे रस्से जितनी लंबी हुई उंगलियां हाथ के पिछले हिस्से की उभर आई नसें जैसे सभी फट जाएंगी उसने साहस बाहर छोड़ी ऊंची आवाज उसने साहस सांस अंदर ली ऊंची आवाज उसकी बाह के अनुपात में बाकी शरीर पतला हो गया टांग जितनी मोटी हो गई बाह उसके हाथ की उंगलियां बंद हुई खुली मछलियां हाथ की तरह सरक, तरफ सरकी बाह को झटका आखिरी लंबी सांस अंदर खींची लयबद गति से नीचे झुकता शरीर अंगूठा और तर्जनी एकदम मोटे एक नट को दोनों ने पकड़ा छोटा सा झटका दूसरे नट्स पकड़े छोटे छोटे झटके उसका शरीर आधा सीधा हुआ अब बाएं हाथ से नट्स पकड़े ढीले हो चुके पेज खोले जमीन पर फेंके सांस बाहर छोड़ी ऊंची आवाज ताकत वापस जिसम के अपने हिस्से में लौटी उसने आंखें खोली कहीं भी चुनौती पर पूरा उतरने का गर्व नहीं है तो सिर्फ एक सहज मुस्कान विजयी मुस्कान नहीं काम पूरा कर देने की संतोषजनक मुस्कान जगत सिंह ड्राइवर और माया फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहे हैं कोई और ऐसी घटना सुनाता तो शायद विश्वास ना होता लेकिन सबने अपनी आंखों से शरीर शक्ति का संचार देखा जगत सिंह ने बुलारा मारा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फिर उसने अपने दोनों कान छुए सौ दी वीरा साठ साल की उम्र हो गई तेरे जैसा जवान नहीं देखा आज तक और सच्चा पातशाह तेनू सौ साल जिंदा रखे के असी सुन कर अजय की आंखों से मुस्कान बुझ गई माया हैरान सरदार साहब ने उसको लंबी आयु की दुआ दी और उसके चेहरे पर बूढ़ी आंखें लग गईं अजय ने पर्स खोला पैसे देने के लिए तो जगते ने घुरका ओ जवाना अब मार तो नहीं खानी ओ साडी कुड़ी अमेरिका से आई है ओ असी पराठियां दे पैसे लवांगे और जा साई रखे तेय उसने झटके से कार का दरवाजा खोला माया अब साथ वाली सीट पर बैठी उसने दरवाजा बंद करने से पहले अजय ने कार को तेज कार की तेज रेस दी कार उछली सड़क चढ़ी अपना दरवाजा लॉक कर लो उसका यह वाक्य पूरा होते होते कार ने अस्सी किलोमीटर की गति पकड़ ली आपने ये क्यों कहा कि पिछले एक साल से आपने नाश्ता नहीं किया हमेशा पास्ट टेंस में क्यों बात करते हो बिकॉज आई लिव इन द पास्ट कीप कॉइट लेट मी ड्राइव माया के मुंह पर फिर सूरज उगा नाक फिर टेढ़ी हुई मैंने तुम जैसा बास्टर्ड नहीं देखा आज तक गो टू हेल्प ये गाली सुनकर अजय को गुस्सा नहीं आया उसके कंधे और झुके आंखें और बूढ़ी हो गई मुझे गुस्सा नहीं आता सॉरी माया अपनी तरफ वाले शीशे से बाहर देखती हुई गर्दन तनी की तनी दांत होठ काटते अब माफी मांग रहा हूं मेरे कोट की जेब से सिगरेट पड़ी है एक सुलगा दो प्लीज माया ने एक साथ चार मीनार की दो सिगरेट सुलगाए एक अजय के मुंह पर लगाया दोनों ने एक दूसरे को देखा दोनों मुस्कुराए तुम भी गम गुस्सेैल नहीं हो माया बख्शी साहब बता रहे थे घर में तुम्हें शेर नहीं कहते हैं वो हंसी अजय हंसा और उसके चेहरे से बूढ़ी आंखें उतर गई माया के दोनों भाई दोपहर को पहुंचे, उसे यूं अचानक अमेरिका से आया देख पहले हैरान फिर परेशान वायुसेना वाले ने घूर के पूछा तू वहां कुछ पढ़ती भी है या मटर गश्ती होती रहती है यहां कैसे पहुंची बस दिल किया प्लेन पकड़ा आ गई अरे अमेरिका ना हुआ दिल्ली हो गया पहले तू अपने ब्रेन का इलाज करा फिर बनेगी तू ब्रेन सर्जन और वहाँ कोई इश्क विश्क किया अभी तक या छड़ी छड़ांग घूम रही है छोटे कैप्टन भाई ने आदतन मुझे ऊपर की अभी एक तरफा है न्यूरो सर्जरी का हेड है ना आशिक हो गया है कहो तो कर लूँ शादी वैसे उसकी बेटी की बेटी भी मेरी उम्र की है लेकिन एक फायदा हो फायदा होगा बाकी सिटीजनशिप मिल जाएगी कर लो सोचती क्या हो यहां कोई लंबा लड़का नहीं मिलेगा क्यों हिंदुस्तान में क्या बोने पैदा होते हैं उसने ये बात कहते हुए अजय को देखा हंसी वो उठा दबे पाम कमरे से बाहर निकल गया माया ने मां की आंखों में झिलमिल झलक देखी शॉल से आंखों पोँछ, आंसू पहुंचते देखा और उसकी आत्मा के अंधेरे हिस्से में भय ने फिर सिर उठाया वह कौन सा अपरिचित आतंक है जिसकी वजह से पिता के ठहाके खोखले लग रहे हैं माँ का हमेशा खिला खिला चेहरा वीरान और सुनसान माया की आत्मा में चिंगारी छिटकी समझ प्रकाश फैला उसे पता लग गया कि इसका कारण हर हाल में घर में ठहरा मेहमान अजय है जिसे कैप्टन भाई ने सल्यूट किया था माँ ने दोपहर को ठूस ठूस कर खिलाया था हालांकि अपने बेटे ज्यादा खाए तो वो हमेशा टोकती है ये अजय कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है दोनों भाइयों ने पिता की तरफ देखा उनका सिर हिला नजरें झुक गई चेहरे बुझ गए जवाब पिता ने दिया बेटे आज क्रिसमस की पार्टी होगी घर में बहुत से लोग आएंगे तो वेलकम यू होम तुमने सबको तुमने ही सबका लुक आफ्टर करना है नाउ गेट बिजी पिता सामरिक चालों में माहिर चकमा देने रास्ता बदलकर जवाबी आक्रमण करना कोई उनसे सीखे घर में विद्रोहिणी है तो सिर्फ माया मां ने कितने पीर फकीर मनाए तब जाकर बेटी का मुंह देखना नसीब हुआ बेटे बाप से इतना डरते हैं कि इस उम्र में भी उनके सामने सिगरेट नहीं पीते माया धड़ल्ले से कश खींचती है पिता से सिगरेट मांग कर लेकिन माया सिर चढ़ी माया जिसे पिता ब्रिगेडियर बख्शी जिसके पिता ब्रिगेडियर बख्शी से शत्रु कांपते थे वो खुद अपनी बेटी से दबते हैं पापा बात मत बदलो मैंने जो पूछा उसका जवाब दो ये आदमी कौन है यहां क्यों रह रहा है पिता की आवाज एकदम ठंडी ठंडे लोहे जैसी नाम मेजर अजय सिंह राजपूत पिता राजस्थान के किसी स्टेट के राजा थे थोड़ी छुट्टियां यहां काट रहा है और कुछ पूछना है उसके हाथ कुर्सी के हत्थे पर कस गए तुम्हें बिना खबर दिए इस तरह अचानक नहीं आना चाहिए था माया उसने मां की बात सुनी आंखों में झिलमिल झलक देखी और बिफर गई तेज कदमों से अंदर मुड़ी तेज कदमों से लौटी, कंधे पर एयरबैग शरीर के क्रोध से शरीर क्रोध से कांपता हिलता अजय कमरे में लौट आया है इससे पहले कि माया कुछ बोले उसने बख्शी साहब से कहा सर मैं आज ही जा रहा हूं अभी तुम क्यों जाओगे तुम क्यों जाओगे मेजर अजय सिंह मैं जा रही हूं अभी इसी वक्त कहाँ प्रिंसली परिवार को अजय सिंह प्रिंसली परिवार का अजय सिंह और कहाँ मैं तभी मेरे अचानक आ जाने से सबके चेहरे पर मातम क्यों छा गया बेटी अचानक घर आ जाए तो इस देश में आजकल क्राइम माना जाता है माया की सांस फूली फिर पिता को घूरा चेहरे पर तपता सूरज बैठ गया नाक और टेढ़ी हो गई एक एक शब्द चबाकर उसने उन पर आक्रमण किया पापा आपको ये फिक्र तो नहीं लग गई ना कि मेरा एयर टिकट खरीदना पड़ेगा मैंने रिटर्न टिकट करवा लिया है ओके माया चुप कंधों पर लटके बाल हिले नाक और टेढ़ी हुई सांस धोखने की तरह चलती हुई आवाज आ रही है पिता ने कुर्सी के हथों पर हाथ रखे उठे इतना अंध क्रोध पत्नी ने आज तक उनके चेहरे पर नहीं देखा उनका इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया आज माया को मारेंगे पत्नी ने कंधे पर हाथ रखा उन्होंने झटक दिया माया पर चीखे यू ब्लडी गर्ल इस वक्त मेरे घर से निकल जाओ इसी वक्त वो उछले छलांग आधी पूरी हुई नीचे गिर गए क्योंकि वो भूल गए थे कि उनकी एक टांग कटी हुई है और इस वक्त लकड़ी की बनावटी टांग उन्होंने नहीं बांधी हुई अजय ने उनकी कमर के नीचे हाथ रखे गोद में उठाया और सोफे पर बिठा दिया बड़े भाई ने पिता के मुंह से निकल रही झाग रुमाल से साफ की माया का हाथ पकड़ा पिता की ओर धकेला अमेरिका जाकर यह भी भूल गई हो कि पिता से बात कैसे करते हैं माया कालीन पर गिरी फटी आंखों से भाई को देखती शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं आया कि धक्का भाई ने दिया है इसलिए वो गिरी मां ने उसे उठाया नहीं थप्पड़ की एक झन्नाटेदार बड़े लड़के के मुंह पर आवाज सारे कमरे में फैली फिर कमरे से ने सांस लेनी बंद कर दी स्कॉर्डन लीडर राहुल बख्शी तो जयगुआर और मिराज उड़ाकर बहुत बड़ा योद्धा हो गया है अपनी बहन को मारेगा धक्का देगा तो जैसे बेटे तो भगवान करे पेट में ही मर जाए उनका हाथ दूसरा थप्पड़ मारने के लिए उठा अजय ने पकड़ा खींचकर सोफे पर बिठाया बैठने के बावजूद मां का शरीर कांपता हुआ बड़े भाई ने नीचे बैठकर माया के मुंह से उसके बाल परे किए अब माया के मुंह पर गुस्सा नहीं एक अपरिभाषित डर है क्या कोई मां अपने बेटे को ऐसी कठोर गाली इतना काला शाप देगी पच्चीस वर्ष में इतना हिंसक वातावरण माया ने भर पहली बार घर में देखा अजय उठा मां के पैर छुए मैं जाऊंगा अब तुम्हें थप्पड़ तो नहीं खाना इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा फिर बेटी का हाथ पकड़कर पास बिठाया सुन माया तेरे अचानक घर आ जाने से किसी को बुरा क्यों लगेगा पच्चीस साल की हो गई है लेकिन बेवकूफ की बेवकूफ पिछले एक साल से अजय की माँ हमारे पास रह रही थी पिता तो पहले ही चल बसे थे बीमारी में माँ की देखभाल करने वाला था कौन चार दिन पहले उसकी भी मौत हो गई तेरे पापा और अजय ने उनका दाह संस्कार किया माया उठी अजय के पास खड़े होकर उसका कंधा छुआ माँ ने बात जारी रखी तुम्हें याद है बांग्लादेश युद्ध में तेरे पापा बंदी बना लिए गए थे टांग कट जाने के बाद इससे पहले कि दुश्मन तेरे पापा को बंदी शिविर में ले जाते उसी शाम अजय ने अपने कमांडोज के साथ शत्रु के दस्ते पर छापा मारा और इन्हें छुड़ा लिया अजय के गले पर लंबा निशान देखती हो ना, गोली लगी थी अजय को महावीर चक्र मिला वो इस घर का बेटा है समझी छोटे भाई कैप्टन ने बात आगे बढ़ाई मेजर साहब का तो कोर्ट मार्शल हो सकता था क्योंकि उस छापे में शत्रु के 200 आदमी मारे गए यह कैसे हो सकता है एक भी जख्मी ना हो या युद्धबंदी ना बनाया जाए बख्शी अब तक अपने ऊपर काबू पा चुके थे लेकिन उनकी आवाज इस समय आदतन ऊंची नहीं एकदम बुझी हुई अजय सिंह युद्धबंदी नहीं पकड़ा करता इसके लिए लड़ाई का मतलब है मरना या मारना काश no काश इसकी ये गलत आदत माया को अजय के दुर्व्यवहार का मतलब अब समझ आया घर में फैले तनाव का मतलब अब समझ आया माँ को आंखों में झिलमिल झलक का कारण समझ आया और वो मुस्कुरा दी उसकी नाक फिर टेढ़ी हो गई जो मुस्कुराने पर और गुस्सा आने पर टेढ़ी हो जाती है। पिता का कान पकड़ा प्यार से खींचा यू सिली ओल्ड मैन, पहले क्यों नहीं बताया कि अजय की मां की मृत्यु हुई पिता मुस्कुराए पत्नी की ओर धन्यवाद देती निगाहों से देखा तुमने अच्छा किया जो आधा सच और आधा झूठ बोला एक उम्र में कुछ लोग शब्दहीन भाषा में बातचीत कर लेते हैं अब क्योंकि माया को दबे दबे हिंसक वातावरण का मतलब समझ आ गया वो भय भय मुक्त हुई मुस्कुराई स्कॉडर लीडर राहुल बख्शी थप्पड़ बहुत जोर से तो नहीं लगा गाल जला है तो बर्नौल लगा दूं। उसने बहन के हुक नोज पर चुटकी काटी आई एम सॉरी अजय तुमने अपनी मां की मौत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया यूं ही हम दोनों में कोल्ड वॉर चलती रही मैं डॉक्टर हूं मुझे इतनी जल्दी शौक नहीं लगता यार पिता ने सोचा पच्चीस साल की बच्ची है मां ने सोचा पच्चीस साल की बच्ची है इसे क्या पता कि शौक लगना क्या होता है खुले दरवाजे से हवा नी धड़क नी अंदर आई कमरे में इतराती मटर गश्ती करती शेरा आराम से लेटा हुआ हवा से उसकी पूंछ हवा ने उसकी पूंछ को छेड़ा शेरा भौंका क्योंकि लेकिन क्या हवा कभी किसी से डरी है नौकर ने दरवाजा बंद किया हवा छलांग लगाकर पर्दों पर चढ़ गई माया माया उठ शरीफ लोगों वाले कपड़े पहन बहुत से लोग आने वाले हैं पार्टी में मां की मीठी झिड़की और सुन सबके सामने सिगरेट मत पीना अभी हमारा देश अमेरिका नहीं बना मुच्छल की सलाह तो माँ अपनी जवानी के दिनों की कोई ज़बरदस्त साड़ी निकाल दो लाल रंग की नाउ गेट बिजी ओल्ड वुमेन मुझे शरीफ लोगों वाले कपड़े डालने हैं और सुन साड़ी तुम ही ठीक से बांध देना मैंने बांधी तो कहीं पार्टी में ना खुल जाए मुच्छल ने उसके बाल खींचे और बोला तेरा नाम तो बकबक बख्शी -बक -बक होना चाहिए और एक कैप्टन के बच्चे मूछे संभाल कहीं मैंने खींच दी ना तो जड़ से उखड़ जाएंगी शेरा फिर भोंका पर्दों पर चढ़ी बैठी हवा डरी रोशनदार रोशनदान में छलांग लगा दी क्योंकि बंद दरवाजों से उसकी साथी हवा तो अंदर आ नहीं रही इसलिए मदद के लिए अब बड़े कमरे में बख्शी साहब और उनकी पत्नी एक दूसरे को देखते चुपचाप हमें माया कोजे के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए बाद में पत्नी ने उनकी बात बीच में काटी उनके कंधे को छुआ मेरी बेटी पांच दिन के लिए आई है उसे कोई नहीं बताएगा किसी ने दुख दिया तो देख लो सोच लो सोच लिया सब ठीक होगा अभी शाम के पाँच बजे हैं लेकिन सूरज डूब गया आज थोड़ी जल्दी इतनी सर्दी में घर पहुंचने की जल्दी तो सबको होती है सूरज भी बिस्तर में डूबकेगा माँ की लाल रंग की साड़ी पहन माया बड़े कमरे में आई कमरे में कंधों की ऊंचाई पर सूरज फिर निकल आया माँ ने उसके बालों में कसकर कंघी कर दी माथे पर अंगारे जितनी बड़ी अंगारे सी सुलगती सिंदूर की बिंदी वो तेज चलती कमरे में आई माँ ने समझाया साड़ी पहनी हो धीरे चलते हैं माया इधर आ मेरी शेरनी, पापा को चुम्मी दे याद झुकी वो आधी झुकी पापा ने पटाखे वाली चुम्मी ली मेरी माया को काला टीका लगाओ नजर ना लग जाए पापा इस लमडींग को मेरा सारा यूनिट अगर सारा दिन भी घूरता रहे ना तो भी इसे नजर ना लगे छोटे की मूंछ फड़की वायुसेना वाला भाई काजल की डिब्बे लाया छोटी उंगली से माया के कंधे हड्डी पर बिंदी लगाई माया माया मैं चार महीने फ्रांस में रहा तेरे जैसी क्यूट लेकिन बेवकूफ लड़की सारे पेरिस में नहीं देखी उसने कोट की जेब से चावल नुमा मोतियों की माला निकाली माया के गले में डाली उसका हुक्ट नोज छुआ हैप्पी क्रिसमस औ मुच्छल अब तू दे बड़े दिन का गिफ्ट माया जानती है छोटे भाई का हाथ हमेशा तंग रहता है वो बेचारा क्या देगा लेकिन छोटा कुछ देगा जेब में हाथ डाला चार मीनार का पैकेट निकाला बहन को दिया हैप्पी क्रिसमस अजय तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया अब भी कोल्डवार जारी है यह सुनकर अजय अहसहा असहाय परिवार के सारे लोग एहसहाय सबको पता है अजय के पास देने के लिए कुछ नहीं अभी आया। वो अपने कमरे में गया लोटा हाथ में मखमल चढ़ी डिबिया, खोली माया की तरफ भड़ाई ये क्या है मेरा महावीर चक्र हैप्पी क्रिसमस लेकिन आपका हाँ मेडल में माया गिफ्ट ले लेते हैं बहस नहीं करते पिता ने समझाया माया ने अजय की टी शर्ट को बनावटी गुस्से से छुआ डांटा जरा ढंग के कपड़े पहनो शरीफ लोग पार्टी में आ रहे हैं माँ को छेड़ती निगाहों से देखा अजय वहीं खड़ा का खड़ा माया परेशान ये कैसा आदमी है जिसके पास पहनने को कपड़ा तक नहीं माँ मेरा पुल ओवर दे दो मुच्छल की सलाह चुप बैठा मुच्छल अजय तुमसे कम से कम चार इंच लंबा है तेरा पुल ओवर ब्लाउज लगेगा माया का हाथ उसकी मूछों की ओर बढ़ा वायु सेना वाले ने अजय को आंखों से इशारा किया दोनों अंदर गए लोटे अजय काले ऊंचे गले का पुल ओवर में वो माया के पास रुका कमरे के पर्दे हिलने बंद कमरे की सांस रोके माया अजय को देखते मुच्छल ने छेड़ा मेड फॉर ईच अदर उसके इस मजाक पर कोई नहीं हंसा अजय के चेहरे पर फिर से बूढ़ी आंखें लग गई माया की आत्मा में भय ने फिर जन्म लिया यह सब छोटे से मजाक पर हंसे क्यों नहीं इन्हें क्या साफ सुन गया क्या उन्हें किसी काले रहस्य ने अपनी दबोच में जकड़ रखा है क्या कोई काला भविष्य किसी का भी इनके वर्तमान का गला दबोचे हुए है अजय मां के पास आया नीचे झुका मां ने माथा चूमा झिलमिल आंखों दोनों की ओलम तू अब भी वो पेड़ वाला खेल खेलती है कि नहीं छोटा बहुत देर चुप नहीं रह सकता ये कौन सा खेल हुआ अजय की उत्सुक आवाज माया जब बनारस मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तो ज्योतिष लगाने का नया तरीका सीखा पेड़ों के नाम से चित्र से या स्केच से ज्योतिष लगाकर भविष्य बता देती थी माने माने समझाया अजय की आंखों में अविश्वास माया ने देखा सबने देखा उसके पर क्या बेवकूफी है वाली मुस्कान माया ने देखी सबने देखी पेड़ों का नाम या चित्र से ज्योतिष माया की नाक टेढ़ी हुई अजय ने कहा अजय से कहा चलो किसी एक पेड़ का नाम लो बिना सोचे एकदम पीपल अजय के होठों पर अब भी क्या बेवकूफ़ी है वाली मुस्कान माया की आंखें बंद उसकी आत्मा से पीपल का पेड़ उगना शुरू हुआ मन मस्तिष्क में इसकी टहनियां फैली कहीं कुछ बाकी रह गया थ, या माया अमेरिका जाकर पेड़ों वाली विद्या भूल गई इतना बड़ा पीपल का पेड़ लेकिन किसी शाख पर किसी टहनी पर कोई परिंदा नहीं यह क्यों कर संभव हो सकता है बिना पक्षियों के पीपल का पेड़ उसने आंखें खोली अजय को छेड़ती हुई आवाज में उसका भविष्य बताया अजय तुम्हारा भविष्य बहुत बुरा है पीपल का पेड़ लंबी आयु का सिंबल होता है तुम बहुत बूढ़े होके मरोगे बैड लक और इस बूढ़े हो गए झुक गए कंधों वाले अजय की कल्पना से ही वो हंस पड़ी लेकिन उसके इस मजाक पर कोई नहीं हंसा। सबके चेहरे पर ठंडे पत्थर लग गए माया ने दिल में गाली दी मारो गोली साले सबके सब क्राई बेबी कोने की मेज से गुलदस्ता उठाया बीच में लंबी मेज पर रखा और कमरा खुश खुश हो गया मुच्छल ने मेज पर गिलास रखे छोटी टेबल पर स्कॉच की बोतल। पापा अभी मेहमान नहीं आए शिकारी आवाज ओ मुल तुझे सबर नहीं पड़ रहा ना लगा ले एक लार्ज साला ड्रंक्ट माया के बनावटी गुस्से पर दो लार्ज पहले से लगाया हूं मेरी बहना रम के अरे ये कोई शराब है उसने स्कॉच की बोतल को हिकारत से देखा पोर्च में कार रुकी पिता की लकड़ी वाली टांग की खटखट बाहर आए सेशन जज वर्मा पत्नी के साथ फिर एक के बाद कई कारें यहां के एसी, पिता के कई रिटायर्ड दोस्त भी सब ने माया को कोई ना कोई तोहफा दिया पिता ने फोन पर जरूर बताया होगा कि बेटी अमेरिका से आई है बड़े कमरे में इतने लोग फिर भी कमरा इतना खाली खाली क्यों माया की आत्मा में छिपे बैठे भय ने सिग्नल दिया क्योंकि अजय कमरे में नहीं है कहाँ गया भय संकेत ने बताया बाहर देखो पैरों ने आज्ञा दी कि कमरे से बाहर ना पेड़ों की टहनियां हिलती हुई ना हवा उन्हें छेड़ती हुई आकाश ने पेड़ों की ऊपर वाली टहनियों को छुआ की छुआ सब कुछ स्तब्ध शीतल इस दो एकड़ में बनी कोठी में अजय को कहां तलाशे एक हिस्से में सब्जियां दूसरे हिस्से में फलों के पेड़ कोठी की आयु साठ वर्ष से ऊपर कोई भीम का ए, पेड़ भी इतने ही बूढ़े नंगी बाहें कांपी शाल ओढ़कर आना चाहिए था दिसंबर की हवा चले ना चले होती तो निर्दयी है घात लगाकर बैठी हवा उसने सांस रोकी आत्मा से संकेत मिले लेकिन मस्तिष्क आत्म संकेतों को ग्रहण नहीं कर रहा दोनों में तालमेल नहीं हुआ अब माया अपने अंदर लौटी अंदर बनारस वाले तंत्र मंत्र का चेहरा उगा गांजे से लाल सुर्ख आंखें गुरु से स्पष्ट सिग्नल दिया पीपल का पेड़ कोठी के बहुत बड़े प्रवेश द्वार के पास लगे पीपल ने बुलाया यहाँ आओ आंखें खोलो उसने पीपल की तरफ भागना शुरू किया जमीन को छू रही पीपल की दाढ़ी शाखों ने बुलाया बिना हिले यहाँ आओ हां अजय आंखें बंद किए पीपल से पीठ लगाए अपनी मरी हुई बहन का चेहरा याद कर रहा है लेकिन बहन का चेहरा तो आत्मा के काले कमरे से बाहर निकलता ही नहीं बहन के चेहरे को प्रकाश क्यों कर छूएगा याद तो उन अपने चेहरों की आएगी जिन्हें अपने हाथ से जलाया हो लेकिन अजय तो अपनी बहन का दाह संस्कार भी नहीं कर पाया उन दिनों अपनी रेजिमेंट के साथ सामरिक अभ्यास के लिए राजस्थान के रेगिस्तान में जो था समय पर उसे खबर नहीं पहुंचाई जा सकी मां ने ही बेटी को अग्नि दी थी अब मृत मां का चेहरा आंखों के सामने चार दिन पहले अपने हाथों से मां को आग लगा दी थी लेकिन मां का चेहरा भी तो आत्मा से उठकर आंखों में नहीं आ रहा आंखों में कुछ चुबा उतरा स्पष्ट याद आ रहा है तो जनरल कपूर का चेहरा छोटी लड़कियों का प्रिय अंकल जनरल कपूर फिर उसके दो बेटों के चेहरे आंखों के आगे उतरे तीनों के फूले हुए मुंह शराबी मुंह लटकते मांस वाले मुंह लेकिन आज इस वक्त इन चेहरों के बाद आने पर खून में आग क्यों नहीं लगी पिछले एक साल से इन चेहरों से लड़ाई जारी है इन पर तो विजय प्राप्त कर ली थी ना फिर उनके आंखों में उतरने का मतलब तीनों चेहरे सर के आत्मा के अंधेरे कमरे में वापस लौट गए इनकी जगह आंसुओं ने ले ली चुपचाप बहते आंसू अजय की आत्मा को धो रहे हैं वो कमांडो स्कूल में इंस्ट्रक्टर रहा है इंद्रियां अब भी तीव्र और चौकस अंधेरे में देखने की बिना आठ सुने आवाज ग्रहण करने में समर्थ तीव्र चौकस इंद्रियां। कोई इधर आ रहा है वो आंखें क्यों खोले सारे शत्रुओं का हनन तो उसने पहले ही कर दिया है अब कोई शत्रु बचा ही नहीं फिर वो आंखें क्यों खोले कोई उसके पास रुका पीपल के नीचे की जमीन में धमक हुई उसके पैरों ने इस धमक को दिमाग की तरफ उछाला पता चल गया बिना आंखें खोले माया बख्शी ये भी शत्रु तो नहीं फिर अचानक अमेरिका से क्यों कर आई शत्रु है लेकिन इस उजली आत्मा वाले शत्रु को मात्र एक दिन में पराजित कर लेगा क्या अजय के कंधे गले को छू रही गर्म सांस साड़ी के पल्लू से आंसू भीगा उसका चेहरा पहुंचते हाथ माया ने बाल पकड़कर उसका सिर नीचे खींचा पीपल की छोटी टहनी खेली अजय की सूख चुकी आत्मा ने आज्ञा दी बाहें फैलाओ ये शत्रु नहीं माया है इसे इस तरह अचानक किसी दैवी शक्ति ने अमेरिका से भेजा है अजय तुम्हारे लिए तुम्हारी माया लेकिन सूखी हुई आत्मा की आज्ञा तो शरीर नहीं मानता उसने बाहें नहीं फैला उसका सिर नीचे झुकाया गया सिर माया के कंधे पर होठ काला टीका लगे माया के कंधे की हड्डी पर शरीर ने आखिरी हल्ला मारा सुबह की माया के आगे कमजोर नहीं पड़ना पीपल के पत्तों में हवा से अजय ने हवा की बात सलाह समझी क्योंकि उसे हवा की भाषा आती है हवा से बातें कर सकता है सुबह की तो रुक गई लेकिन होंठ के लोग कपाट खुले ओ गॉड, अजय के शरीर की सारी शक्ति ओ गॉड ने सोख ली वो नीचे गिरा कि गिरा माया ने बिल्कुल साफ उसकी टांगों का थर थर महसूस आ नीचे बैठी अजय का चेहरा उसकी गोद में छिप गया लेकिन पीठ अब भी लगातार हिल रही है क्योंकि वो थार हो रहा है प्लीज अजय अजय प्लीज उसकी पीठ और जोर से हिल। माया ने अपना सिर ऊपर उठाया आंसुओं से धुला चेहरा आंसू बहती आंखें छूं डोंट क्राई माई चाइल्ड मैं आ गई हूँ मैं तुम्हारे पास रहूंगी तुम्हारी मां की तरह हमेशा साथ उसकी आत्मा का डर क्या यह शब्द बुलवा रहा है ये लोहे का बना आदमी क्यों रो रहा है अजय की आत्मा से दो लंबे हाथ निकले माया के चेहरे को हाथों से पकड़ा अंगारी बिंदी को होठों ने छुआ और उसी क्षण अजय की सूखी आत्मा में जीवन जल का संचार हो गया अमेरिका से आए इस नए शत्रु ने शत्रु से युद्ध होना तय है इसे पराजित करना होगा लेकिन आत्माओं का यह द्वंद्व युद्ध लव तो करेगा ना अजय का शरीर की सारी शक्तियां लौट आईं, क्योंकि उसकी सूखी आत्मा जीवित जो हो गई सिर्फ एक रात के लिए इस लड़की को पराजित करने के लिए जिसका नाम माया बख्शी है उजली आत्मा वाली शक्तिशाली शत्रु अजय रो मत। मैंने रोना शुरू कर दिया ना तो चौबीस घंटे रोती रहूंगी मैं बता रही मेरा रोना मेरे गुस्से से भी डरावना है वो हंसा माया हंसी पीपल की टहनी ने खुश होकर सिर हिलाया उसने माया के कंधों के नीचे दोनों हाथ रखे उठाया चलो अंदर चलें सब लोग इंतजार कर रहे होंगे माया की आत्मा ने अजय की आत्मा का हाथ पकड़ लिया कसकर अब उसे कहीं नहीं जाने देगी लेकिन एक क्षण माया क्यों कर माया को क्यों कर पता हो सकता है कि सूखी हुई आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता ना जाने से रोक सकता है माया डार्लिंग और कितने दिन रहोगी अमेरिका जाने से पहले हमारे घर लंच अमेरिका जाने से पहले हमारे घर लंच करना है कोर कमांडर जनरल सेथु रामन ने निमंत्रण दिया माया माया ने विजयी आंखों से देखा और जवाब दिया अंकल अब तो यहीं रहूंगी मैं वापस नहीं जाना है मुझे लेकिन अभी तो तुम्हारी न्यूरोसर्जन की स्टडी बाकी है बेटा वापस तो जाना पड़ेगा पिता की आवाज में खतरे का डर दोनों भाई मां जनरल सैथुरमन बाकी मेहमान एकदम चुप वो चली अजय के पास खड़ी हुई मुस्कुराती उसका हुक्ट नोज और टेढ़ा हुआ अजय मुस्कुराया माया ने चैलेंज देती निगाहों से देखा एक एक शब्द रुक कर बोला मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं मेजर अजय सिंह से शादी कर रही हूं यहीं रहूंगी अजय के पास हमेशा सारे के सारे हाथ थमे के थमे सारी की सारी आवाजें बंद आवाजों के इस तरह बंद होने से शेरा डर गया शेडलियर की तरफ मुंह उठाया भबका मारा भौं उसकी भौं की आवाज ने शेडलियर तो छुआ धीरे से हिलाया तराशी कटी रोशनी के चमकीले सायने माया के हुक नोज को छुआ शेडलियर थमा तराशी हुई रोशनी का टुकड़ा उसके नाक से उठा और ऊपर लौट आया ठक ठक बख्शी साहब की लकड़ी की टांगों की कलीन पर खटक उठने की कोशिश अजय ने उनका कंधा दबाया दोनों सैनिकों में सैनिक भाषा में शब्दहीन बातचीत सब ठीक है ठीक हो जाएगा बख्शी साहब ने कुर्सी से सिर उठाया उनकी बंद मुठियां खुली छोटे बेटे को सख्त हो गई आवाज में डांटा छोटे मेरे लिए एक लार्ज पैग्राम एंड मूव डोंट स्टैंड लाइक अ स्टोन राइट राइट सब ठीक आवाजों का फिर से शुरू होना शेरे ने आंखें खोली आवाजों की धमक से हिलते शेडलियर को देखा खुश हो गया आंखें मूंगी माया ने अपने हाथ से अजय के लिए पैक बनाया उसकी ओर गिलास बढ़ाया इतनी बड़ी खुशी की घोषणा माया ने की लेकिन अजय की आंखें फिर भी बूढ़ी क्यों मैं शराब नहीं पीता चाय से चेयर्स कर लें जनरल सैथुरमन ने माया को बताया मेजर अजय को सेहत का नशा है तुम्हें पता है, इसने वर्ल्ड की सबसे डेडली कमांडो यूनिट एस ए एस के साथ इंग्लैंड में कमांडो कोर्स किया है इसे हंड्रेड में से नाइन्टी नाइन मार्क्स मिले क्योंकि आर्मी में सेंट परसेंट मार्क्स देने का ट्रेडिशन नहीं है अंकल सुबह मारुति का टायर बदलना था जैम हो गए नट्स। ड्राइवर ने ड्राइवर से स्पैनर से नहीं खोले अजय ने हाथ से खोल दिए बख्शी साहब के मुंह से मीठी गाली निकली ब्लडी हेल्थ एडिक्ट अजय अपने जिस्म की ताकत किसी भी हिस्से में ट्रांसफर कर सकता है किसी जापानी गुरु ने एक हाथ का ये एक हाथ या एक टांग में सारी ताकत ट्रांसफर करने का तरीका सिखाया है ये बताते हुए उनकी आंखों से गर्व और दुख दोनों मुच्छल ने बहन को छेड़ा ओ ओ लमढिंग तुझे पता है अजय साहब का फौज में निकनेम क्या है स्पैनर उंगलियों से ट्रकों के नट्स खोल देते हैं जब तेरा हाथ पकड़ेगा ना तो माया ने उसकी मुँचे पकड़ी वो डरा वाक्य पूरा नहीं हुआ बख्शी साहब ने फिर गाली दी ब्लडी स्पैनर साहब शेरा उनकी ओर देखकर घुराया गाली क्यों देते हो मेहमान जाने शुरू जनरल खड़ा है सल्यूट कर रहा है सुबह माया जागी तो बिना किसी के बताए उसे पता चल गया कि अजय घर में नहीं है रात को मां ने पिता ने दोनों भाइयों ने उसकी अजय के साथ शादी की घोषणा पर विरोध नहीं किया कुछ नहीं पूछा क्यों अजय ने पापा का कंधा क्यों दबाया था दोनों में क्या मौन वार्तालाप हुआ है क्या इन सब ने मिलकर उसके खिलाफ कोई व्यू रचना की है कोई साजिश की है क्यों अभी पूछेगी देख लेगी ये लोग शायद आज तक माया बख्शी को जान ही नहीं पाए सुबह की चाय का प्याला सब लोग हमेशा की तरह एक साथ बैठ कर पीते हैं वो अंदर गई किसी ने उसे विश नहीं किया माया ने भी नहीं मां ने भी नहीं अजय कहां है किसी ने सिर नहीं उठाया किसी ने जवाब नहीं दिया उसके दोनों भाइयों को देखा नजरें नीचे माया को देखा माँ को देखा नजरें नीचे तुम सब सोचते हो मुझे अजय से शादी करने से रोक लोगे मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगी ठहरो रुको अभी बताती हूँ वो अंधड़ कदमों से अंदर गई लौटी पिता की नाक के सामने अपना पासपोर्ट किया दिखाया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया अजय कहां है माया बेटे पहले चाय पी लो माँ का हाथ प्याले के साथ आगे बढ़ा माया की नाक टेढ़ी हुई मुंह पर सूरज उगा उसने हाथ झटका माँ के हाथ से प्याला नीचे गिरा छन सारी की सारी गरम चाय माया के हाथ पर छोटा भाई बड़ा भाई अपनी जगह पर पत्थर बने बैठे पिता की गर्ज दोनों अंधे हो गए हो क्या बरनौ लाओ मेरे पुत्र का हाथ जल गया है दोनों अंदर दौड़े अब माया अपनी जगह पर खड़े खड़े रो रही है इतनी शक्ति इतनी ताकत तो उसमें नहीं जितनी ये लोग समझते हैं इनका व्यू इतना मजबूत और वो अकेली। उठकर उसे गले से क्यों नहीं लगा रही? चुप क्यों नहीं करा रही ठीक है कुछ मत बताओ लेकिन मेरी एक आखिरी बात सुन लो जब तक अजय से शादी नहीं करूंगी ना एक बूंद पानी मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा एक शब्द भी नहीं बोलूंगी धमकी नहीं सच है तुम सब मुझे अच्छी तरह जानते हो जो कहती हूं करती हूं वो अपने कमरे में लौटी मरे कदमों से दिन हुआ सूरज निकला लेकिन माया के अंदर घुटने टेक कर बैठा तो अंधेरा काला स्याह उसे भूख बहुत लगती है लेकिन है तो हट धर्मी सारा दिन पानी तक नहीं पिया सारा दिन अजय की खबर उसे किसी ने नहीं दी किसी ने भी नहीं मनाया सारा दिन घर मौन साधे बैठे रहे सारा दिन शेरा भी नहीं भोंगा सुबह के चार बजे होंगे फिर घर में रोशनियां क्यों जल गई वो नंगे पैर बैठक में आई रिटायर्ड होने के बाद आज पहली बार पिता सैनिक वर्दी में क्यों छाती का बायां हिस्सा तमगो मेडलों से भरा हुआ दोनों भाई भी अपनी अपनी वर्दी में प्लास्टिक कवर के ढके लेकिन साफ पड़े जा रहे पहचान पत्र छातियों पर लटके मां सफेद साड़ी सफेद शॉल में इतनी सवेरे लोगों ने वर्दियां क्यों पहन ली पापा को चुम्मी दे लेकिन माया वहीं की वहीं खड़ी ओ, मेरे ब्रेनलेस पुत्र अपने पापा को गुड मॉर्निंग चुम्मी दे तुझे अजय से मिलाने के लिए हम सब तैयार हुए चल चुम्मी दे और तमीज के कपड़े पहन माया पिता को लगातार चूनती हरा दिया ना कि गर्व वाली चुम्मी नहीं पापा दोनों भाई एक साथ बोले शराब तुम्हें तो पता है मेरी बेटी शेरनी है साथ चलेगी फिर पत्नी को आज्ञा दी इसे ठीक ठाक कपड़े पहनाओ पत्नी अपनी जगह से हिली तक नहीं सुना नहीं मिसेज बख्शी इसे तमीज वाले कपड़े दो एकदम नाउ गो गेट बिजी पिता जब गुस्से में हूं तो मिसेज बख्शी कहकर बुलाते हैं माँ ने उसके लिए सफेद साड़ी और केसर रंग की शॉल निकाली ठीक से उसे साड़ी बांध रही है क्योंकि बेटी को साड़ी बांधनी नहीं आती पोर्च में सैनिक ट्रक रुकने की भारी भरकम आवाज माया की आंखों में प्रश्न कौन लोग हैं इस वक्त ट्रक में अजय सिख रेजिमेंट में पोस्टेड है उसके सामने साथी अफसर और जवान हैं तू तू बांध कर जल्दी से बाहर आ जा चंडी मंदिर से इतनी सवेरे चले हैं बेचारों को चाय पिलाऊं इतनी ठंड में बैठक में वर्दियां ही वर्दियां। अजय के सीओ हैं पिता ने उनका माया से परिचय करवाया चीते की तरह जिस्म कसे पैर ठोके खड़े अजय के रेजिमेंट के सात सिख जवान साफ सफ़ेद कपड़ों सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद दाढ़ी वाली रेजिमेंट के सिख ग्रंथ थी आँखें बंद हिलते होंठ बे पाठ करता हुआ नौकर चाय के गिलास से भरी ट्रेल आया अजय के सीओ ने ग्रंथी की ओर देखा सलाम मांगती निगाहें नहीं साहब कोई चाय नहीं पिएगा सुच्चे मुंह चलना है माया कार की पिछली सीट पर माया और पिता दोनों तरफ माँ और पिता दोनों तरफ आत्मा का भय गले में अटकाया दोनों ने अपनी लड़ाकी बेटी का एक एक हाथ कस के क्यों पकड़ा है आगे कार पीछे सैनिक ट्रक काला अंधेरा काली सड़क कार ने छोटा सा मोड़ काटा बड़े पुल से नीचे उतरी रुकी बहुत बड़ा लोहे का गेट पीछे फौजी ट्रक रुका गेट खुला जेलर है एसपी है जज है मेडिकल ऑफिसर है एसी ने ब्रिगेडियर बख्शी और अजय को सीओ अजय के सीओ को सैल्यूट किया सात जवान उछले सैनिक ट्रक से बाहर पैर ठोक कर खड़े शरीर कसे कसाए छलांग लगाने के लिए तैयार सात जीते हाथों में स्टेन गन एसपी ने ब्रिगेडियर बख्शी को देखा इनके सीओ को देखा इनके आक्रमण मुद्रा में कौन विशेष पर झुके शरीर देखे और उसका चेहरा पीला पड़ गया सर इनके हथियार ट्रक में रखवा दें, अंदर खाली हाथ जाना होगा सात सात मुठियां सात स्टेन गनों पर कस गई सीओ ने ग्रंथी से कुछ कहा पुत्रो हथियार ट्रक में रख दो अंदर ले जाने की इजाजत नहीं लेकिन सात जवान अपनी जगह पर पैर जमीन पर गड़े हुए जिसम अपनी ही ताकत से हिलते हुए उनके सीओ गरजे। साहब का हुक्म नहीं सुना हथियार ट्रक में, एकदम। सातों की कमर झुकी सीधी हुई ट्रक में हथियार गिरने की सात आवाजें सैनिक चाल से मार्च करते हुए सब लोहे के गेट से अंदर आए कैदियों के कमरों से बैरकों से पाठ करने की आवाजें रामायण का पाठ गुरबानी का पाठ अम्बाला की सेंट्रल जेल का वातावरण धर्म ध्वनियों से पवित्र शांत अजिस फेद कुर्ते पजामे में पिता दोनों भाई सात जवान सीओ उसे सैल्यूट देते हैं और ग्रंथी बोलते हैं बहन जी साहब को तिलक लगाओ ग्रंथी की गंभीर आवाज़ माया की माँ से तिलक लगाने वाली डिब्बिया खुल नहीं रही मुच्छल बेटे ने दो उंगलियों से डिब्बिया दबाई ढक्कन उछला नीचे गिरा माँ ने हाथ आंखों पर रोना नहीं बिल्कुल नहीं पति की कड़क आवाज माँ ने अजय को केसर का टीका लगाया वीर पुरुषों का टीका सूबेदार ग्रंथी ने अजय का मुंह से में प्रसाद डाला मेजर साहब डर लग रहा है अजय ने हाँ में से हिलाया उत्तर दसवें गुरु दसवें बादशाह गुरु गोबिंद सिंह का नाम ले कलगी वाला वो बाजा वाला जालिमों का नाश करने वाले को ताकत देता है शक्ति देता है छाती तान दे शिवावर मोहे का जाप कर तू सेवन सिख का ऑफिसर है चीतों का अफसर चीता सिर उठा ऊंचा कर वाहे गुरु का नाम ले कर फांसी पर चढ़ जा अगले जन्म में भी गुरु महाराज तुझे वीर योद्धा बनाएंगे अगले जन्म में भी तू जालिमों का कत्ल करेगा और फांसी चढ़ेगा अजय के नीचे झुके कंधे उठे चोड़े हुए उसने लंबी सांस खींची सारी ताकत का आंखों में संचार हो गया जनरल सैथुरमन ने माया को क्या बताया था अजय अपनी ताकत जिसम में किसी भी हिस्से में खींच सकता है अब आंखों में उसकी आंखों में योद्धा की ताकत है माया को पास बुलाया मुस्कुराया माया तुम्हारी पेड़ों वाली ज्योतिष विद्या तो गलत निकली तुम कहती थी मैं बूढ़ा होकर मरूंगा मैं चला अब बता किस पेड़ का नाम लू माया की टांगे लड़खड़ाई, दोनों भाइयों ने पकड़ा अजय ने आज पहली बार और आखिरी बार उसके बाद हुक्ट ने उसको छुआ माया इन दो दिनों में तुम्हारे साथ बुरी तरह भूला मेरी आत्मा सूख चुकी थी माया किसी पेड़ पर भी अगर दफा तीन सौ दो लग जाए तो सूख जाता है मैं तो इंसान हूं वो फिर मुस्कुराया लू किसी एक पेड़ का नाम उसकी आंखों की ताकत में परिहास। जेलर का संकेत मरने का समय तो सरकार पहले से ही तय कर देती है ना ग्रंथी के कदम हिले लर्जती में बोला, चलो, सूरज निकलते ही फांसी लगेगी प्रकाश में आत्मा रास्ता नहीं भूलती सीधे वाहे गुरु के पास जाती सूबेदार ग्रंथी फांसी घर की ओर मुड़ा सात जवान मुड़े पीछे देखा उन्हें हंकार पुत्रो यहीं खड़े रहो फांसी का रस्सा खींचेगा तो मैं बुलारा मारूंगा जवाब ऊंचा देना बाहे गुरु तक आवाज़ पहुंचेगी मुर्दों की तरह क्यों खड़े हो सीने तानो ग्रंथी दरवाज़ों के अंदर गया फांसी घर बंद माँ ने माया का हाथ कसकर पकड़ा और माया ने माँ का दोनों बेंच पर बैठ गई माया हिली बेंच से सीधे नीचे गिरी एक जवान ने संभाला उसकी आत्मे आत्मा में बैठा भय गले तक आ गया मुंह खुला और भय चीख में बदल गया उसने बहुत जोर से चीख मारी वो बेहोश जेल के वार्डन ने उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले बैरकों में रामायण और गुरबानी के पीछे की आवाजें और ऊंची हुई माया की आत्मा में जो हिस्सा खाली हो गया था उसे इस आवाज ने भर दिया आंखें खुली माया ने क्यों की प्रश्नवाचक निगाहों से मां को देखा अजय ने जनरल कपूर और उनके दो बेटों का कत्ल किया था माया की आंखों में अब भी क्यों जनरल कपूर हिंदुस्तान की सेना का सबसे गंदा बदजात ऑफिसर था अफसरों की बेटियों और बहनों का प्रिय अंकल अजय उन दिनों राजस्थान गया हुआ था एक्सरसाइज पर अजय की बहन अंकल के घर गई उसके साथ बलात्कार किया गया बाप जनरल कपूर और दो कुत्ते बेटों ने मिलकर उसका रेप किया फिर बड़े बेटे ने अजय की बहन को जीप के नीचे कुचल दिया दुर्घटना का केस बना दिया पोस्टमार्टम भी मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ बात दबा दी गई अजय वक्त पर पहुंचा नहीं उसकी मां और तुम्हारे पापा ने दास संस्कार किया लेकिन अजय को कैसे पता जनरल कपूर से गलती हो गई उसे पता नहीं था कि उसका सैनिक अर्दली राजपूत है अजय की पिता की रियासत का रहने वाला उसने अजय को सब कुछ बता दिया और और क्या तेरे पापा ने अजय की बुरी आदत बताई थी ना बेटा वो युद्धबंदी नहीं बनाता तीनों का खून कर दिया लेकिन उन तीनों ने रेप किया था फिर इस बात का गवाह कौन बचा कि तीनों ने उसकी बहन से रेप किया एक को भी जिंदा छोड़ देता तो शायद उम्र कैद फांसी घर के दरवाजे से आवाज बाहर आई बोले सो निहाल सात गर्दनों में अकड़ आई सात गर... गलों की नसें फूली सात आवाजें गर्जी सात श्री अकाल माया बख्शी की आंखों में कटे हुए चित्र एक कतार में भागते हुए अब समझ आया कि लंबी उम्र की दुआ सुनकर अजय के चेहरे पर बूढ़ी आंखें क्यों लग जाती थी उसने पिछले एक साल से नाश्ता क्यों नहीं किया क्योंकि जेल में कैदियों को नाश्ता नहीं मिलता चित्रों की कतार ने भी मां की आवाज तोड़ी अजय की मां के मरने की वजह से उसे विशेष छुट्टी दी गई पेरोल पर पांच दिन के लिए छोड़ा गया माया बख्शी की आंखों में आखिरी चित्र उभरा पीपल का पेड़ बिना परिंदों के उस दिन उसे कैसे पता हो सकता था कि जिस पेड़ पर परिंदे नहीं बैठते उसकी आयु लंबी नहीं होती चाहे वो अजय का पीपल का पेड़ ही क्यों ना हो सो दिस वॉज द स्टोरी किसी एक पेड़ का नाम लो थैंक यू सो मच आप लोगों ने जिन्होंने भी पूरी स्टोरी सुनी ध्यान से एंड वॉट एवर आई डिड आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड यू लाइक डिट एस थैंक यू सो मच